मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। हिंदू नववर्ष सम्मत विक्रमादित्य सम्मत 2068, 4 अप्रैल सन 2011 दिन सोमवार चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तुला लग्न में इस वर्ष नववर्ष में 12 राशियों का फलादेश क्या है, आइए। प्रथम राशि ज्योतिष शास्त्र में आती है मेष राशि। मेष राशि के लिए ये वर्ष किस तरह का रहेगा? मेष राशि वाले जातकों के लिए लाभ कम है और खर्च अधिक है, मानसिक परेशानियां भी इनको आएंगी, ये मेष राशि का फल है। दूसरी राशि वृष राशि। वृष राशि के लिए ये नव सम्मत नया वर्ष किस प्रकार का है? वृष राशि को धन लाभ मध्यम है, लेकिन इनका जो धन है वह शुभ कार्यों पर अधिक खर्च होगा। मिथुन राशि। मिथुन राशि के जातकों के लिए ये वर्ष मैं अच्छा कहूंगा, क्योंकि व्यापार में मुनाफा होने का ज्यादा चांस है, लॉटरी व सट्टे से भी धन कमा सकते हैं और अकस्मात धन के आने के आपके योग हैं। कर्क राशि। कर्क राशि वाले जातकों का इस वर्ष भाग्योदय होगा, धन लाभ के मार्ग भी खुलेंगे और कोई बिगड़ा कार्य बनेगा, इसमें संदेह नहीं है। सिंह राशि। सिंह राशि के जातकों के लिए ये वर्ष लाभ कम, फजूली खर्च अधिक, बनते कार्यों में विघ्न आएगा। कन्या राशि। कन्या राशि व्यापार लॉटरी से अनायास आपको धन की प्राप्ति होगी, आपका जो धन है नई जमीन जायदाद खरीदने में लगेगा, कहा जाए तो कन्या राशि वालों के लिए ये नया वर्ष खुशियां लेकर आ रहा है। तुला राशि। तुला राशि के जातकों के लिए मानसिक तनाव, शारीरिक कष्ट, रोगों पर पैसा खर्च होगा, आर्थिक समस्याओं से जूझना पड़ेगा। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि जातकों के लिए लाभ कम, खर्च अधिक और इसके साथ में मानसिक परेशानी बढ़ने के संकेत हैं, आइए। धनु राशि। धनु राशि शरीर में पीड़ा होगी, मानसिक रोग अत्यधिक बढ़ेंगे और आर्थिक स्थिति कमजोर होगी, आपका पैसा ज्यादा रोगों पर खर्च होगा। मकर राशि। मकर राशि के जातकों के लिए भी ये नया सम्मत ये नया वर्ष खुशियां लेकर आ रहा है,
मकर राशि वाले जातकों के लिए धन लाभ अत्यधिक होगा और मनोवांछित योजनाएं सफल होंगी, मनोरंजक कार्यों की और अधिक रुचिक बढ़ेगी। कहा जाए तो मकर राशि वालों के लिए ये वर्ष बहुत ही अच्छा है। कुंभ राशि, कुंभ राशि के जातकों के लिए धन लाभ के अच्छे संकेत हैं। धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी और धर्म कर्म पर पैसा खर्च होगा। मन की इच्छा पूरी होने का वर्ष है। एक संकेत करूंगा कि कुंभ राशि वाले जातकों को अपनी भार्या का, अपनी सुधर्म पत्नी का सम्मान करना चाहिए। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए ये वर्ष और भी प्रसन्नता लेकर, खुशियां लेकर आएगा। मीन राशि, मीन राशि वाले जातकों के लिए ये वर्ष कैसा है, नया संवत कैसा है? वर्ष इनके लिए सामान्य है, ना तो अच्छा ही है ना बुरा ही है, लेकिन शरीर में व्याधि रहेगी। आपका भी रोगों पर पैसा खर्च होगा और आर्थिक समस्याएं बढ़ेंगी। मैंने 12 राशियों का ये फलादेश नव वर्ष का बताया है। आओ आप सभी लोग, जिसकी जो भी राशि है वो पूरा वर्ष सुख में रहना चाहते हो, तो मैं आपको आज माँ भगवती का एक बहुत ही सिद्ध श्लोक आपके सामने कहने जा रहा हूँ। हो सके तो आप इसको लिख लें, इसको याद कर लें और पूरा वर्ष हर जातक, हर राशि का व्यक्ति इसका जाप करे। सभी राशियों वाले जातकों को चाहिए कि पूरा वर्ष इस मंत्र का जाप करें। न्यूज 7 के माध्यम से जो भी इस प्रोग्राम को देख रहा है, मैं सभी से प्रार्थना करूंगा, सभी से कहूंगा कि आप एक कागज उठा लें, पेन उठा लें और इस श्लोक को लिखना शुरू करें। देही सौभाग्यम मारोग्यम, पुनः कह रहा हूं, देही सौभाग्यम मारोग्यम, देही में परमम सुखम, रूपम देही जयम देही यशो देही द्विशो जही। पुनः फिर सुना रहा हूं, देही सौभाग्यम मारोग्यम, देही में परमम सुखम, रूपम देही जयम देही यशो देही द्विशो जही। उस भगवती परम अम्बा जगदम्बा से हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं। इस ये मंत्र का भाव है, मंत्र का ये अर्थ है कि हे माँ जगदम्बे, मुझे सौभाग्य दो, आरोग्य दो, परम सुख दो, रूप दो, यश दो और मेरे काम क्रोध शत्रुओं का हे जगदम्बा नाश करो। दर्शकों, पुनः आप सभी से मैं ये प्रार्थना करूँगा, पूरा वर्ष आप इस मंत्र का जाप करें और ये नव संवत, क्रोधी नाम संवत, संवत 2068 आप सभी के लिए मंगलमय हो, खुशियां लेकर आए। मैं पंडित दिनेश पाठक, न्यूज 7 के माध्यम से आप सभी के लिए मंगल कामना करता हूँ।